नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथ मीडिया एंटरटेनमेंट और मैं हूं साक्षी आपके साथ। तो चलिए नजर डालते हैं आज की पांच बड़ी खबरों पर। पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई और अन्य लोग घायल हो गए। विमान में सवार दो पायलट समेत 5 लोगों की मौत हो गई। सीसीडी के मालिक और बीजेपी नेता एसएस कृष्णा के दामाद बीजी सिद्धार्थ मंगलवार सुबह अचानक लापता हो गए। बताया जा रहा है कि सीसीडी पर 7000 करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज था। पुलिस का ये मानना है कि ज्यादा कर्ज के कारण बीजी सिद्धार्थ ने सुसाइड कर लिया है। भारतीय सेना के अधिकारी कैप्टन दिवाकर पुरी का शव दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पड़ा हुआ मिला, जहां उनका सर उनके शरीर से अलग था। ये घटना तब हुई जब वो लखनऊ से दिल्ली वापस आ रहे थे। हरियाणा के पलवल में गौ रक्षक गोपाल नामक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना तब हुई जब कुछ लोग गौ की तस्करी करने आए थे और जब गोपाल ने इसका विरोध किया तो तस्करों ने इसकी गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। बिहार के पटना में एक नाबालिग अपने दोस्त के साथ स्कूल जाने के बजाय पटना घूमने के लिए निकली, जहां कुछ दरिंदों ने छात्रा को अगवा कर उसके साथ रेप किया। फिलहाल पीड़िता के बयान पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।